हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ HDMS में जो एड्रेस फिलअप करने समय आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे कि लोकल बॉडी कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, सब डिस्ट्रिक्ट कोड, ये सब कोड कहाँ से मिलेगा। मान लीजिए आप लोग यहाँ पे कुछ विलेज में कुछ फिल करने जा रहे हो, तो यहाँ पे जो एड्रेस आपने टाइप किया वो किसी भी तरह से स्पेलिंग मिस्टेक हो, किसी भी प्रॉब्लम हो, या अगर आपने सही से यहाँ पे विलेज का नेम टाइप कर रहे हो लेकिन नहीं आ रहा है, तो LGD कोड कहाँ से मिलेगा। आप लोग कैसे सर्च करोगे वो LGD कोड को इजीली, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आप लोगों को जाना है एक LGDirectory.gov.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को ओपन कर लेना है गूगल क्रोम में, क्रोम ब्राउजर में सीधा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख लीजिए यहाँ पे विलेजेस 6,63,003 टोटल विलेजेस है इंडिया में। टोटल विलेज डाटा आप लोग यहाँ पे जो मोर इन्फो दिख रहा है आपको, मोर इन्फो यहाँ पे क्लिक करना। उनके बाद उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो सर्च बाय हियरची दो नंबर वाला ऑप्शन, ये दो नंबर वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। करने के बाद आप लोगों को सिलेक्ट स्टेट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सब यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आप लोगों को देना होगा। मैं कैप्चा कोड दे देता हूँ। कैप्चा कोड देने के बाद नीचे जो गेट डाटा, नीचे जो गेट डाटा ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना होगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को टोटल जो विलेजेस है, इन जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट किया था उसी का जितनी भी विलेजेस है टोटल डाटा आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे भी फाइंड सर्च करना है, इसलिए आप लोगों को कंट्रोल एफ दबाना है। कंट्रोल एफ दबाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो विलेज का नेम आप लोगों ने सर्च करने चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप करना होगा। मैंने टाइप कर दिया, देख लीजिए मैंने जो टाइप किया AKURY आकुरा, वो यहाँ पे जो कलरफुल है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसी के साइड में जो 3384944 जो कोड है यही है हमारा विलेज कोड यानी कि LGD कोड। विलेज का तो LGD कोड आप लोगों को मिल गया। अब जो लोकल बॉडी है वो LGD कोड आपको कहाँ मिलेगा। दोस्तों बैक करके वही वेबसाइट में चले जाना है LGDirectory.gov.in। जाने के बाद जहाँ पे हम लोगों ने विलेजेस सर्च किया उसी के साइड में एक ऑप्शन है लोकल बॉडीज, आप लोग शायद देख रहे हो लोकल बॉडीज 2,83,747 लोकल बॉडीज का नाम है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, मोर इन्फो में क्लिक कर देना है। मोर इन्फो में क्लिक करने के बाद सही सेम प्रोसेस पहले वाला जो प्रोसेस था, यहाँ पर आप लोगों को स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद हीआरसी लेवल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों जो जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत जो रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं, यहाँ पे पहले वाला जो ऑप्शन है यह सिलेक्ट करना होगा। और जो म्यूनिसिपल एरिया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी अर्थात अर्बन एरिया में जिन लोगों ने बास कर रहे हैं उनको ये सिलेक्ट करना होगा। और जो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, पंचायत समिति, ये सिलेक्ट करना है। तो हम लोगों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में बिलोंग करते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया म्यूनिसिपलिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। कर लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट लोकल बॉडी टाइप, यहाँ पे आप लोगों को लोकल बॉडी टाइप सिलेक्ट करना है। मान लीजिए किसी का नोटिफाइड एरिया काउंसिल होगा,
किसी का म्यूनिसिपलिटी होगा, किसी का म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन होगा, किसी का कैंटोनमेंट बोर्ड होगा। तो मेरा है म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपलिटी मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ पे कैप्चा कोड देना है, कैप्चा कोड दे देता हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद गेट डाटा पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी लोकल बॉडीज है म्यूनिसिपलिटी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का जितनी भी म्यूनिसिपलिटी है, म्यूनिसिपलिटी के अंदर जितनी भी लोकल बॉडी है, टोटल लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है देखिए, पहले वाला जो ऑप्शन है सीरियल नंबर, दूसरा वाला लोकल बॉडी कोड, तीसरा वाला लोकल बॉडी नेम इन इंग्लिश। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो सर्च बटन दिख रहा है, सर्च इस घर में आप लोगों को लोकल बॉडी का नेम टाइप करना है। देख लीजिए, मैं मेदिनीपुर मेदिनीपुर टाइप किया। तो देख लीजिए दोस्तों, नीचे मेदिनीपुर लोकल बॉडी नेम मेदिनीपुर आ गया है, और उसी के साइड में बगल में लोकल बॉडी कोड भी आ गया है। तो क्या करना है दोस्तों, लोकल बॉडी कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो यहाँ पे लोकल बॉडी कोड, यहाँ पे आप लोगों को लोकल बॉडी कोड पुट कर देना है। इसी तरीके से आप लोगों ने फाइंडली इजीली फाइंड कर सकोगे यहाँ से। और आप लोग चाहे तो इस लिस्ट को, टोटल जो लिस्ट है, लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोगों को इस लिंक पे आना है। लिंक पे आने के बाद यहाँ पे दो नंबर वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड ऑल एंटिटीज ऑफ स्टेट, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने पर यहाँ पे जितनी सारी ऑप्शन है, टोटल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। टोटल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को कैप्चा कोड डालना होगा। चलिए, मैंने सब जितनी भी ऑप्शन है टोटल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड ऑप्शन, डाउनलोड ऑप्शन आप किस फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं उस फाइल आपको सिलेक्ट करना होगा। मैंने एक्सेल फॉर्मेट में लेना चाहता हूँ तो एक्सेल सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कैप्चा कोड डाल देना है। फिर से कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे जो दोस्तों नीचे जेनरेट रिपोर्ट ऑप्शन है, जेनरेट रिपोर्ट में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसे एक जीप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को जीप फाइल ओपन कर लेना है। मैंने पहले भी डाउनलोड किया था तो जीप फाइल मैंने ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जीप फाइल ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑल ब्लॉक स्टेट ब्लॉक स्पेसिफाई, नीचे एकदम नीचे देखिए विलेज स्पेसिफिकेशन, इस विलेज स्पेसिफिकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपने विलेज का डाटा चाहते हो तो विलेज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोगों को एक्सेल फाइल में दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये एक्सट्रैक्ट होगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक्सेल फाइल में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यह इजीली यहाँ पे आप लोगों को पहले फिल्टर कर लेना है। फिल्टर कैसे करेंगे देख लीजिए, जो डाटा यहाँ पे शो करेगा यहाँ पे आप लोगों को फिल्टर कर लेना है। आप लोग, मैंने वेस्ट बंगाल सिलेक्ट किया था स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम मैं फिल्टर कर लेता हूँ। मैंने वेस्ट मिदनापुर वेस्ट सिलेक्ट करूँगा। यहाँ के बाद मैंने सब डिस्ट्रिक्ट जो है सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लूँगा, केशपुर। उसके बाद देखिए केशपुर सब डिस्ट्रिक्ट में, अर्थात स्टेट वेस्ट बंगाल स्टेट का डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर वेस्ट में जितनी भी विलेजेस है सब डिस्ट्रिक्ट केशपुर के अंदर, जितनी भी विलेजेस, टोटल विलेज यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए विलेज कोड जो है वही एलजीडी कोड है। आप लोगों को क्या करना है, बस यहाँ से कोड को उठा लेना है। कॉपी करके उठाने के बाद आपको एसडीएमएस में जो कॉन्टैक्ट का एड्रेस एप्लेट है वहाँ पे जस्ट पुट करना है और फाइंड सर्च कर देना है। बस इतनी सी काम है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों, इस दो लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग चाहे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं लिस्ट को, और यहाँ से फाइंड सर्च भी कर सकते हैं। तो वीडियो को शेष करने से पहले सबसे निवेदन है, मेरा इस चैनल में आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए।
थैंक यू, धन्यवाद।